हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस स्वाति एंड सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आज सबसे अच्छी बात है कि 15 अगस्त भी है और उसके बाद में एक इंडियन ब्रांड जो है बहुत ही हाइप कार को लॉन्च करने वाला है और आज हम आए हैं यहाँ पे एक्स यू वी के बारे में बात करने को जिसका बहुत हाइप क्रिएट किया है महिंद्रा ने एंड आज वो जो है रिवील होने वाली है आज उसका फर्स्ट लुक हमारे सामने आने वाला है हालांकि कुछ स्पाई पिक्चर्स के थ्रू हम ऑलरेडी उसके लुक्स को देख चुके हैं एंड काफ़ी चीज़ें हमें पता भी हैं थ्रू दी तो मैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हमें इसमें मिलने वाला है एंड अभी हमें विजिबली ये देखने को नहीं मिलेगी आई होप अक्टूबर तक ये जो है कार में फिजिकली देखने मिलेगी या अराउंड करने हमें मिलेगा बट अभी इसका फर्स्ट लुक आने वाला है एंड इसके अंदर हमें क्या क्या ये लोग देने वाले हैं उसके बारे में हम थ्रू आउट दिस वीडियो बात करेंगे Uh, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके अंदर जो है हमें जो फर्स्ट चीज़ जो देखने को मिलेगी फर्स्ट टाइम एक्स यू में देखने मिलेगी दैट इज़ महिंद्रा का न्यू लोगो जो कि बहुत ही बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही क्लासी इन्होंने बनाया है एंड इट इज़ लुक लाइक अ बटरफ्लाई डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग इसको लुक देने वाला है एंड वो हम फर्स्ट टाइम एक्स यू में ही देखेंगे एंड सिर्फ लोगो ही नहीं है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही हैं इसके अंदर एंड वो भी चीज़ें हम बाद में इसके अंदर पूरे में बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की इसके अंदर आपको डीजल और पेट्रोल दोनों अवेलेबल होंगे टू लीटर का आपको पेट्रोल टबो चार्ज इंजन मिलेगा विद टू हंड्रेड बी एच पी पार एंड uh, जो दूसरा ऑप्शन मिलेगा वो टू पॉइंट टू लीटर का डीजल टबो इंजन मिलता है आपको इसके अंदर वन एटी फाइव बी एच पी के साथ एंड सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर मिलेगा अब बात करते हैं कलर ऑप्शन की जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है सेवन कलर ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलेंगे एंड बहुत ही अच्छे कलर जो है सामने आ रहे हैं आई होप जो कलर हम देख रहे हैं स्पाई वाले में जो हम लोगों को देखने मिले अब तक वही अगर इंट्रोड्यूस होते हैं तो बहुत ही पॉपी कलर्स हैं अमेजिंग कलर्स हैं तो वो देखने को मिलेंगे तो कुछ न्यू कुछ ऐसी में देखने को मिलेगा एंड अब आते हैं कुछ जो चीज़ें जो लॉन्च की है पहली बार जो हमें बहुत ही अमेज़ करती है जो दूसरी जो कंपटीशन है सबसे पहले मैं इसको कंपटीशन बता देती हूँ आपको कंपटीशन जो है वो मेजर होने वाला है इसके अंदर क्योंकि टाटा आपको सफारी इसके अंदर कंपटीशन में आएगी अल्कज़ा जो है हुडे की वो आने वाली है एन एम जी हेक्टर जो है वो होने वाली है सबसे बेस्ट पार्ट जो है जो हमें सुनने आ रहा है या जो हमें पता चल रहा है वो है कि ये तीनों से जो है लेंथ वाइज लंबी है जो कि बहुत ज़रूरी है एक सेवन सीटर के लिए सफारी वॉज़ गुड बट अगर मैंने अल्कज़ार जब मैंने इसको रिव्यू किया था तो उसके अंदर मुझे पीछे वाली सीट थोड़ी कंजस्टेड लगी थी और काफी जो अगर अडल्ट इवन बच्चे भी वहां पे बैठना इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था बट आई होप कि ये उससे लंबी है तो ज्यादा हमें स्पेस इसके अंदर मिलेगा अब बात करते हैं इसके इन्फोटेनमेंट इसके एल के बारे में तो सबसे पहले इसकी जो लाइट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको एल ई डी मिलेंगे और इसके अंदर एक चीज़ जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ हेडलैम्प बूस्टर अगर आप बहुत ही डार्क एरिया में जा रहे हैं एटी किलोमीटर की स्पीड में अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और वहाँ पे बहुत डार्क है तो अपने आप कार जो है सेंस कर लेती है एंड उसके बाद में जो आपके हेडलम्प्स है वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और भी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉग हो जाती है लाइट्स तो वो सेफ्टी पर्पज़ से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलने वाला है दूसरा जो है इसके अंदर एड्रोनॉक्स करके एक सिस्टम लाइक जैसे सीरी होता है उस टाइप से इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया और पहली बार एलेक्सा जो है वो इसके अंदर वर्क करेगी इस सेगमेंट में एलेक्सा फर्स्ट टाइम एक्स यू के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है उसके थ्रू आप जो है म्यूज़िक सिस्टम सन सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं टेन पॉइंट का जो है आपको डूअल इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा डूअल स्क्रीन एंड उसके अंदर आप जो है काफ़ी चीज़ें जो है आपको अवेलेबल होने वाली है काफ़ी एडवांस्ड है वो और और देखते हैं कि इसके अंदर हमें उसके उसके अंदर हमें क्या क्या और मिलता है जब हम वॉक अराउंड देंगे इसका अब बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की म्यूजिक में इसके अंदर आपको सोनी का थ्री सिस्टम मिलेगा एंड रूफ पर आपको स्पीकर भी मिलेगा लाइक like थार तो वो काफी अमेजिंग होने वाला है काफी अट्रैक्टिव होने वाला है एंड इतनी बड़ी कार में आ, बहुत जरूरी है आ, आपको अच्छा म्यूजिक सिस्टम होना और जो प्राइस है वो भी नो no डाउट अगर हायर एंड पे जाती है तो अच्छा म्यूजिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है तो आई होप कि वो भी आपको बेटर सर्व करे। अब बात करते हैं इसके ड्राइव मोड्स की तो इसके अंदर आपको चार ड्राइव मोड्स मिलेंगे जिनका नाम बहुत अट्रैक्टिव रखा गया है, दैट इज एंड एक इंडिविजुअल है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर टेस्ट आपको कैसे ड्राइव करना है या क्या आपको कंडीशन में इसको ड्राइव करना है नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़े तो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ जो है आपको इसके अंदर मिलने वाला है जो हमें बताया जा रहा है जो दिखाया जा रहा है वो सबसे इसको स्काई रूफ भी बोल रहे हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है लेट्स सी कि वो कैसा दिखता है जब हम उसको फिजिकली देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है वीडियोज़ में जो हमने फोटोग्राफ्स में देखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आ, उसके बाद में बात करें तो अगर इसके सेफ्टी पार्ट्स की बात करें सेफ्टी में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हांस किया एंड महिंद्रा से हम उम्मीद भी करते हैं क्योंकि थ्री जो है वो इतनी सेफ कार है एंड के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत कुछ हमें इसमें मिलने वाला है तो इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि एल जो है आपको हेडलेम बूस्टर इसके अंदर मिलता है आपको ड्राउजीनेस अटेंशन इसके अंदर मिल जाएगा आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन इसके अंदर मिलता है आपको इसके अंदर जो है स्पीड लिमिटर मिल जाता है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो आपको बिल्कुल अटेंशन मिल जाता है ये काफ़ी गाड़ियों में भी आता है बट इसके अंदर भी एडिशनल आपको मिलेगा लेन असिस्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगा तो ये कुछ सेफ्टी पार्ट्स से हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं अब बात करते हैं जो मुझे बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगा जो फ़ीचर है जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जब ये फिजिकली मेरे सामने आएगी तो मैं उसके सबसे पहले मैं उसको देखना चाहती हूँ दैट इज़ कॉल स्मार्ट डोर जो हैंडल है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि बहुत हाई हैंड

फिजिकली इसको देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक इन्होंने in इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो लेट्स सी आज ये क्या क्या बताते हैं अपने लॉन्च के अंदर एंड जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो मेजर मेजर चीजें थी जो मैं uh, समझ रही थी कि शायद प्राइस इसकी जो भी आए उसको जस्टिफाई कर पाए तो दीज आर द रीजन कि ये सारी चीजें जो है मोस्ट ऑफ दी सेगमेंट की जो इसके कॉम्पिटिशन में है, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी बट इसके अंदर आपको मिलने वाली है एंड आई एम रियली हैप्पी जब अपना जो इंडियन ब्रांड है जब ग्रो करता है लाइक टाटा इज ग्रोइंग सो मच बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अग्रेसिव है इस टाइम पे टाटा एंड महिंद्रा इज ग्रोइंग सो मच तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक इंडियन ब्रांड जो है ग्रो कर रहा है एंड आई लव इट एंड मेरा जो थोड़ा इंतजाम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एक्स्ट्रा हो जाता है तो आई लव इट एंड आई एम रेयरली लुकिंग फॉवर्ड दिस फॉर दिस कार आप मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत जल्दी कोशिश करें कि जब भी लॉन्च हो तो लेकर आऊँ एंड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज़ है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में जो भी मेरे को इसके बारे में नॉलेज होगी आई वुड ट्राई कि मैं आपको दे सकूँ एंड uh, अगर आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करिए तो वहाँ पर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आई वुड ट्राई कि मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई जितना जल्दी हो सके मैं आपको दे सकूं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड जय हिंद